गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सिस्टम से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे जाना है, फिर आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाना है, जिसके जरिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। सिंपली इसको ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आते ही इसको अलाउ कर देना है और गो इट कर देना है। यहाँ से शॉर्टकट आइकन है आपके फ़ोन में शो कर जाएगा, और शॉर्टकट आइकन्स के जरिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बटन आइकन्स पे जाना है, जहाँ से फ़ोन को ऑटो रीस्टार्ट करने के लिए आपको रीस्टार्ट ऑप्शंस पे टैप करना होगा और आपका फ़ोन बिना बटन्स के रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, एंड पावर ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं बिना बटन्स के, एंड इमरजेंसी कॉल्स भी यहाँ से लगा सकते हैं और लगाना चाहें तो बटन पे टैप करके। और ऑफ़ करते हैं तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप जानते हैं कि शेड्यूल करके भी फ़ोन को पावर ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। वीडियो अच्छी लगी तो